नमस्कार, उत्तर प्रदेश की दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं प्रदेश की पहली बड़ी खबर से। यूपी में कोरोना वायरस के संक्रमण पर रोक नहीं लग पा रही। पिछले 24 घंटे में पूरे प्रदेश भर में कोरोना संक्रमण के 6,318 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह से यूपी में अब तक 3,36,000 से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि इनमें से 2,63,000 से अधिक ठीक भी हो चुके हैं। यूपी में गुरुवार को कोरोना संक्रमण से 81 लोगों की मौत हुई। इस तरह प्रदेश में कोरोना से कुल मरने वालों की संख्या 4,771 हो गई है। यूपी में अब तक कुल 80,89,882 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। सितंबर में अब तक कुल 23,02,964 सैंपल्स की जांच की गई है। प्रदेश में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश की पॉजिटिविटी का प्रतिशत 4.7 रहा है। वहीं प्रदेश में कंटेनमेंट जोन की संख्या अब 19,104 हो गई है, जिनमें लगभग 15,29,000 मकान चिन्हित हैं, जिनमें 84,99,000 लोगों को चिन्हित किया गया है। इनमें से 51,525 कोविड पॉजिटिव मरीज हैं। यूपी में विपक्षी दलों ने पीएम मोदी के जन्मदिन यानी 17 सितंबर को अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। इस दिन को राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया गया है। यूपी के हर जिले में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। कांग्रेस की महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने प्रदर्शन के दौरान युवाओं पर लाठी चार्ज का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 5 साल संविदा कानून एक काला कानून है। युवाओं की भर्तियों पर ताला लगाना अन्याय है। इस अन्याय के खिलाफ युवा अपना हक मांगने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं, तो उनकी बात सुननी चाहिए। आपकी लाठी इस युवा ललकार को दबा नहीं सकती। भाजपा के विधान परिषद सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह बाइक की टक्कर में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उनके साथ यह हादसा गुरुवार को अयोध्या में सड़क पार करते वक्त हुआ। देवेंद्र प्रताप सिंह को आगे के इलाज के लिए किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर में रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि एमएलसी लखनऊ से गोरखपुर जा रहे थे, इसी बीच वो चाय पीने के लिए रुके। चाय पीकर सड़क पार करते वक्त यह हादसा हुआ। वाराणसी जिले में स्थित मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम अब बनारस हो गया है। केंद्र सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने के बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गुरुवार को इसकी स्वीकृति दे दी है। यूपी के लोक निर्माण विभाग ने इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। मड़ुआडीह स्टेशन का नाम बनारस रखने का प्रस्ताव पिछले साल अगस्त 2019 में भेजा गया था। ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।